today we will talk about sign of true love. ये वीडियो हम खास करके लड़कियों के लिए बना रहे हैं ताकि उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए कि जिससे वो प्यार करती हैं वो उसका सच्चा प्यार है या नहीं. सवाल आपको अपने आप से करना है, जवाब आपको खुद मिल जाएगा. आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्यार सच्चा है या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन. उसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपका पार्टनर आपको अपने दोस्तों से कैसे मिलवाता है. क्या आपने या आपके पार्टनर ने अपने दोस्तों से अपना रिश्ता सीक्रेट रखा है? अगर ऐसा है तो लव नहीं लस्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को आपके जीवन से जुड़े सभी लोग जाने. वो आपको रिस्पेक्ट देगा. जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करने लगता है तो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट देता है. यदि कोई लड़का आपसे अच्छे से व्यवहार करता है, आपकी राय को मानता है, इसके साथ ही आपकी उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट करना पसंद करता है, तो ये दोस्ती से थोड़ा बढ़कर हो सकता है, ये प्यार हो सकता है, सच्चा प्यार हो सकता है. उसके देखने का अंदाज आपको एहसास करवा सकता है कि उसका प्यार सच्चा है या नहीं. यदि वो लड़का अधिकतर समय आपको देखते रहता है, वो आपको इस तरह दिखता है जैसे कि आप कोई प्रिंसेस हैं और उसे सिर्फ आपका इंतजार है. अगर यह चीज बार बार हो रही है तो यकीन मानिए कि उसके दिल में आपके लिए प्यार की शुरुआत हो गई, वो आपसे सच्चा प्यार करता है. आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं, पार्टनर के साथ होने पर आप कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं? रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद ज्यादातर कपल्स हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपने छुट्टी पर क्या किया तो आपका जवाब होना चाहिए कि हम घूमने गए थे, न कि उसके साथ घूमने गया था या गई थी. हम घूमने गए थे. उसके बाद बिना कुछ मांगे आपके लिए सब कुछ करें. सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ देना होता है, ना कि लेना. यही कारण है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना किसी ख्वाहिश के बस उनसे प्यार किए जाते हैं. बचपन से लेकर बड़े होने तक पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ देते हैं. आपने कई बार अपने पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि जब तुम पेरेंट्स बनोगे तो असली प्यार की समझ आएगी, क्योंकि प्यार यही है जिसमें सिर्फ देना होता है. जब किसी से प्यार करते हैं तो अपना सब कुछ उस पर लुटा देते हैं, अपना वक्त, अपनी खुशी. ये सब सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए होता है. प्यार सिर्फ एक फीलिंग ही नहीं, एक एक्शन है. तो यदि कोई लड़का आपके लिए कुछ कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि वो आपसे प्यार करता है. एक सवाल और अपने आप से आप कर सकते हैं कि क्या आप एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं? रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पार्टनर के साथ हर बात शेयर करें. अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं. क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने सपने, डर, गोल्स, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ शेयर करते हैं. आप उनकी प्रायोरिटी बन जाते हैं. प्रायोरिटी जिसे आप कहते हैं, प्रायोरिटी क्या है? हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है. सबके पास अपने कॉलेज, ऑफिस के अलावा भी कई काम होते हैं. लेकिन जब आपसे कोई प्यार करता है तो आपको भी अपनी लाइफ की प्राथमिकता देता है और आपके साथ समय गुजारता है. और किसी वजह से यदि टाइम नहीं भी निकाल पाता है तो समय मिलते ही सबसे पहले आपसे मिलना चाहता है. जब कोई लड़का आपसे प्यार करता है तो आप उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक होता है. आप एक सवाल अपने आप से कर सकते हैं कि आपके कुछ भी करने से आपके पार्टनर को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता भी है या नहीं फर्क पड़ता है? आपके कुछ भी करने पर आपका पार्टनर उससे प्रभावित होता है तो अगर आपके पार्टनर को भी आपके फैसले या किसी काम से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो समझ लें कि फिर वो आपको लेकर सीरियस नहीं है. यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो उसे अपने सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाता है.
वो उसे अपने परिवार और दोस्तों से मिलवाएगा। लेकिन अगर कोई लड़का आपको अपने सामाजिक जीवन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करता है तो फिर गड़बड़ है, तो इसे आप बिल्कुल प्यार नहीं कह सकते हैं। जब आप दुखी हैं उसके बाद उसका क्या रिएक्शन हो? अगर कोई लड़का आपको दुखी नहीं देख पाता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार करने लगा है। अगर वो आपको एक पल भी दुखी नहीं रहने देता है और उसे पता है कि आपके चेहरे पर मुस्कान कैसी लाई जाए, तो यकीन मानिए आप उसके लिए वाकई खास हैं। आज व्हाट्सएप चैट पैट तो सब चालू है, फेसबुक चालू रहता है, तो ये देखना होता है कि आपके मैसेज का रिप्लाई कितनी देर में करता है। कभी कभी क्या लोग फोन नहीं उठा पाते हैं। अगर आपके मैसेज करने पर बिना टाइम लगे आपको रिप्लाई आ जाए तो इसका मतलब है वो लड़का आपसे प्यार करता है। अब ये नहीं कह रहे कि यदि किसी ने आपको एक बार में रिप्लाई कर दिया तो इसका मतलब आप उसे प्यार करोगे, ये सिलसिला बार बार चलेगा। लेकिन अगर हर बार ऐसा होता है तो मतलब साफ है, ही लव्स यू, ही सीरियस। लोगों के बीच में हाथ पकड़ना इतना आसान नहीं होता है क्राउड के अंदर। बहुत से लड़के अकेले में गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कॉमन सी चीज है। लेकिन पब्लिकली वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं। लेकिन अगर कोई पब्लिक में भी आपका हाथ पकड़ कर चलता है तो इसका मतलब है वो आपको और दुनिया दोनों को बताना चाहता है कि उसे आप पसंद हैं। उसके बाद आपकी नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करें। आपने हालांकि इसे आप फ्लर्टिंग भी कह सकते हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप कॉलेज में कहीं भी तैयार होकर जाती हैं तो सबकी नजरें आपकी तरफ होती है। लेकिन जो लड़का आपसे प्यार करता है वो आपको तब भी देखेगा जब आप बिल्कुल तैयार नहीं हो, सिंपल रहें, सिंपल लिबास में। आपको उसके लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही पसंद करेगा। तो इतनी सारी बातें बताई, अगर ये बातें आप पे इंप्लीमेंट होती है तो समझ जाइए कि लड़का आपसे वाकई में सच्चे में प्यार करता है। तो धन्यवाद। If you like my fashion, makeup and hair box channel, please do subscribe to my channel.